होगा कि प्रत्येक बाजार में महिला शौचालय हो। दूसरा चीज कि यहाँ लगभग शिक्षा से काफी दूरी बन चुकी है, जो दो सालों का लॉकडाउन है, तो शिक्षा में सुधार हो। कैसी सुधार करेंगे अगर आप चुने जाते हैं तो? शिक्षा में कैसी सुधार, मतलब कौन कौन सी स्कीम है, आपके प्लान क्या है, कुछ डिस्कस कर सकते हैं? जी, शिक्षा में मैं दीपक सिंह कश्यप और आप आपकी बात देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे बाएं बगल में यानी कि लेफ्ट साइड में युवा चेहरा और हमेशा समाज सेवा के नाम से जाने जाते हैं, समाज सेवियों के नाम से, इन्होंने काफी ऐसा काम किया है, आज से नहीं, मैं इनको बहुत दिन पहले से जानता हूं और ये इनसे बात करूंगा। और मुद्दा ये होगा कि अभी पंचायती चुनाव नजदीक आ गए हैं और ये एक कैंडिडेट है, चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगा। जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपको विशेष धन्यवाद कि आप समय निकाल के मेरे यहाँ आए। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम आदर्श सिंह हुआ, गांव देवापुर हुआ और मैं जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 25 का प्रत्याशी प्रतिनिधि हूँ। तो चलिए, आपने राजनीतिक को ही क्यों चुना, क्योंकि पहले आप समाज सेवा करते थे, 2017 में भी मैंने आपको देखा, 2017 में बाढ़ आई थी उस समय आप बहुत अच्छे हीरो साबित हुए थे, फिर उसके बाद 2020 में भी आपने बहुत अच्छा काम किया, फिर आपने राजनीति को क्यों चुना? देखिए, सबसे पहला बात कि मैंने राजनीति चुना क्योंकि उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हमारे यहाँ जिला पार्षद जो क्षेत्र है, 7 पंचायत का जो क्षेत्र आता है, उस ये 7 पंचायत विकास से पोषित हुई है। यहाँ उम्मीदवार शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए, यंग हो, अनुमंडल से लेके राज्य स्तर से लेके केंद्रीय स्तर तक जाने की क्षमता रखता हो, इसलिए देखे कि हाँ हमारे अंदर और पब्लिक का भी डिमांड था कि आप इतने में समाज सेवा में हैं तो क्यों ना आप चुनाव लड़े। तो पब्लिक के आशीर्वाद से और आप लोगों के साथ सहयोग से चुनाव में है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, चुनाव जीतने के बाद अगर मतदाता बंधुओं को चुनाव जिताते हैं तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला मेरा रोड मैप होगा कि प्रत्येक बाजार में महिला शौचालय हो। दूसरा चीज कि यहाँ लगभग शिक्षा से काफी दूरी बन चुकी है, जो दो सालों का लॉकडाउन है, तो शिक्षा में सुधार हो। कैसी सुधार करेंगे अगर आप चुने जाते हैं तो? शिक्षा में कैसी सुधार, मतलब कौन कौन सी स्कीम है, आपके प्लान क्या है, कुछ डिस्कस कर सकते हैं? जी, शिक्षा में सुधार की हमारे यहाँ लगभग हर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक के विद्यालय बनकर तैयार है। बहुत जगहों पे शिक्षक की कमी होने के बाद, शिक्षक की कमी के चलते बहुत जगह पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हमारा जो होगा, हम राज्य स्तर से लेकर केंद्र तक जाएंगे कि यहाँ शिक्षक की बहाली हो, पढ़ाई चालू हो, क्योंकि करोड़ों की लागत से विद्यालय बन के विद्यालय बंद पड़ा हुआ है, कोई जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं है, विशेषकर हमारे जो यहाँ के जिला पार्षद कुछ दिनों से जो हैं। तो सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि जहाँ विद्यालय की आवश्यकता है, विद्यालय जहाँ बन गया है, वहाँ विद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति के लिए, बहाली के लिए वो सरकार से आग्रह करें। दूसरा चीज कि जहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ विद्यालय चाहिए, जहाँ विद्यालय की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास करें। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ, हॉस्पिटल भी बहुत जगह जो PSC बना हुआ है सेंटर पंचायत वो PSC सेंटर भी बंद पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी हम अभी से प्रयास में लगे हुए हैं कि कोविड को देखते हुए, कोविड के चलते बहुत परेशान रहते हैं, तो उसको देखते हुए हम यहाँ के जो स्वास्थ्य प्रभारी हैं बरौली के, उनसे भी मैंने बात किया था। मेरे ही पंचायत में, मेरे गिरी पंचायत में एक सेंटर बना हुआ है करीब 10 वर्षों से और आज तक वो सेंटर चालू नहीं है, तो उस पर हम सिविल सर्जन साहब से और इनसे प्रभारी साहब से दोनों से बात हुई थी, तो उन्होंने उम्मीद जताया है कि इस वर्ष यहाँ का जो सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो सेंटर है, उसको चालू कर दिया जाएगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या होगा, क्या उनके रोजगार के बारे में आपने कुछ प्लान किया है? जी जी, बिल्कुल, युवाओं के रोजगार के लिए अभी तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें आई हैं। मतलब सोर्स ऑफ रोजगार क्या होगा, कैसे रोजगार देंगे? आपने वादा करता है, सभी लोग वादा करता है जी कि हम रोजगार देंगे, तो आप कैसे देंगे वो थोड़ा बताएं। बिल्कुल, युवाओं के रोजगार के लिए हम अथक प्रयास करेंगे, यहाँ तक कि सरकार की योजना है लोन की, तो लोन में अगर किसी को असुविधा हो रही है, सरकार की स्कीम है, बहुत लोग प्रयास करते हैं, बहुत लोगों को लोन नहीं मिलता, तो विशेषकर उसमें चयनित करके जो युवा उस तरह का ढंग का जो होगा, जो उद्योग करना चाहता होगा, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको लोन मिल जाए और अपना उद्योग चालू करें। मतलब किस तरह का उद्योग, छोटा छोटा उद्योग? तो बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे सेवई का उद्योग हो गया, सेवई ब्रांड चालू कर सकते हैं,
ब्रिक्स ईटा वगैरह बन रहा है, पीवीसी पेपर ब्लॉक ईटा वगैरह बन रहा है, उस टाइप का बहुत सारा उद्योग है, किराना दुकान हो गया, बोतल गिलास हो गया, ये सब बहुत सारे उद्योग है जो हम ग्रामीण स्तर पे चालू कर सकते हैं। उद्योग है कृषि के बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि देश है, उसके बारे में आपने क्या सोचा? कृषि के बारे में भी मैंने ज्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा कैसी है, तो मेरा प्रयास होगा कि हाँ कृषि के क्षेत्र में या जो भी पब्लिक का जनता का डिमांड होगा उसके लिए हम पर। अंतिम सवाल होगा आदर्श जी आपसे, अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर ये सारी बातें जो आपने किए हैं ऑन कैमरा के सामने, अगर आप चुनाव जीतने के बाद ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो आप 2 साल के अंदर में क्या करेंगे? देखिए सबसे पहला चीज कि अगर चुनाव जीतने के बाद मेरी जो प्राथमिकताएं हैं अगर उसको हम पूर्ण नहीं करते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, ये 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जो मेरी रोड मैप होगी, जो प्राथमिकता है उसको अगर पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो अगला बार हमको जनता मौका ना दे, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बीच में इस्तीफा नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दे, एकदम दे सकते हैं, ये तो बात हमने बोला ही नहीं, एकदम दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। कैमरा के सामने देख, कैमरा के सामने बोल रहे हैं, अगर कुछ प्राथमिकताएं हैं अगर उसको हम पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो एकदम हम बीच में इस्तीफा दे सकते हैं जी। धन्यवाद। कैमरामैन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप, और आप देख रहे थे आपकी बात।